मेरा वीजा मेरे को हाल ही में 2-3 महीने पहले ही मिला था, तो ये फर्स्ट टाइम है मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ। अभी इधर खड़ा रहना है जब तक वो आगे वाला जो है उसका खत्म नहीं हो जाता। ये बताया कि गाड़ी आगे पार्क कर दो और यहाँ पे लेफ्ट साइड में सेकंड फ्लोर पे जो ऑफिस है वहाँ पे चले जाओ। ये रहा यूएसए का नायग्रा फॉल और वो रहा सामने कनाडा का नायग्रा फॉल। हाय एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू पीसी ब्लॉग्स। सो आज के वीडियो में मैं और मेरे साथ दो मेरे हाउसमेट को हम तीन लोग जा रहे हैं कनाडा से यूएस। तो मैंने सोचा उसी के ऊपर मेरे एक एक्सपीरियंस का पूरा वीडियो बना देता हूँ जिसमें सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताऊँगा कि यहाँ से आप यूएसए की बॉर्डर जब क्रॉस करते हो तब कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस टाइप का इमिग्रेशन होता है आपका और क्या क्या चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. ये हम जहाँ पे किचनर में रहते हैं उधर से हमने जो Airbnb बुक कराया वो अराउंड है 145 किलोमीटर, तो अराउंड 1.5-2 घंटे के करीब में लगेगा। बट इमिग्रेशन में देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो अभी हम लोग अराउंड 3 किलोमीटर समथिंग दूर है, जो ब्रिज है मेन जो यूएसए और कनाडा को कनेक्ट करता है उसका नाम यहाँ पे है रेनबो ब्रिज, तो वो नायग्रा फॉल्स के काफ़ी नज़दीक में ही है। सो 2-1 किलोमीटर में हम लोग वो जो ब्रिज है उधर पहुँच जाएंगे, उसके बाद उधर एंटर करना है और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने मांगी। और बाहर आप देख पा रहे हो जैसे वेदर काफ़ी अच्छा है, जैसे पूरे बादल बादल है तो ज़्यादा धूप भी नहीं है, टेम्परेचर भी अराउंड 17 या 15 है, तो बाहर घूमने में भी मजा आएगा दूसरी साइड से नायग्रा फॉल्स साथ देखने में। और तो ये अभी हमें रेनबो ब्रिज के ऊपर, और अगर राइट साइड में यहाँ से देखोगे तो हमें दिखेगा कनाडा का नायग्रा फॉल्स। अच्छा ये जो ब्रिज है वो हमें दिखता है वहां से, वो क्या और लोग पैदल भी जा रहे हैं। जैसे आप वॉक करके भी क्रॉस कर सकते हो अगर कहें नायग्रा फॉल्स इधर तक आ चुके नज़दीक में हो कहीं पे। तो ये रहा अभी हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट बॉर्डर पे है, ये वाला जो पार्ट है वो कनाडा की साइड और इधर की वाला पार्ट है वो यूएसए की साइड। तो अभी आजू बाजू में देखो आप कि कितनी गाड़ियों की लाइन है, सारे लोग अभी यूएस जाने के लिए निकले, पता नहीं इतनी भीड़ होती है या आज ही है। बट हमने देखा कहीं कहीं लोगों के हाथ में पासपोर्ट उन्होंने खोल के रखा हुआ है। मेरा वीज़ा मेरे को हाल ही में 2-3 महीने पहले ही मिला था, तो ये फर्स्ट टाइम है मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ। सो जहाँ तक मेरे को पता है वहाँ तक मेरे को कहीं पे इमिग्रेशन अच्छे से होगा, बाकी अगर आप कई बार आते जाते रहते हो तो कुछ ईजी प्रोसेस होता है, बट देखते हैं अभी क्या होता है आगे। अभी इधर खड़ा रहना है जब तक वो आगे वाला जो है उसका ख़त्म नहीं हो जाता, ताकि सब हमारे पासपोर्ट वगैरह हाथ में, बुकिंग वगैरह भी है, कब आना है वापस, कब जाना है, सारी चीज़ें पता है। अभी हम लोगों को एक नीचे से ऊपर भेज दिया है, सेकंड फ्लोर पे एक ऑफिस है उधर, और इधर वेट कर रहे हम लोग। एक कोई चिट्ठी सी दी है जी, और यहाँ तो ऑलरेडी ऐसे 20-30 लोग हैं, तो पता नहीं कब नंबर आएगा, बट देखते हैं। A few moments later. तो फाइनली हम लोग कनाडा के उस साइड यूएस में एंटर हो चुके हैं और ऑलमोस्ट रास्ते और वो सब तो सेम ही दिख रहा है, सिर्फ वही है कि स्पीड लिमिट यहाँ पे माइल्स में होगी जबकि कनाडा में सब किलोमीटर्स में होता है। और बाकी हमारा जो इमिग्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था, वो आगे चल के जब हम एयरबीएनबी पे पहुँच जाते उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। सब बात कर लेते कि क्या इमिग्रेशन का पूरा प्रोसेस रहा, कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे या जो कुछ भी चीज़ें हुई वो सारी। सबसे पहले हम जब वहाँ पे बूथ पे गए तभी बूथ पे एक जो पर्सन था उन्होंने हमको पूछा कि आप सिटीजन कहाँ के हो, तो हमने बताया हम तीनों इंडिया के ही सिटीजन थे, तो किसी के पास भी कैनेडियन या यूएस की सिटीजनशिप नहीं थी, तो हमने वो बताया इंडियन के। फिर उन्होंने बताया कि क्या पर्पस है, हमने कहा इसी ट्रिप के लिए जा रहे, उन्होंने बोला कब वापस आ रहे हो, और हमने कहा संडे को हमारा लास्ट डे एयरबीएनबी का चेकआउट है संडे को, तो उस दिन को वापस आ जाएंगे शाम को। उसके बाद हम तीनों के पासपोर्ट उन्होंने मांगे और पता नहीं क्या उन्होंने पासपोर्ट लेके कुछ चेक करा सिस्टम के अंदर, और साथ ही में उन्होंने ये भी पूछा कि आपके पास कोई अल्कोहल फूड आइटम टबाको या ऐसा कोई भी चीज़ है, तो हमने मना करा। फिर उसके बाद उन्होंने हमें एक चिट्ठी दी और ये बताया कि गाड़ी आगे पार्क कर दो और यहाँ पे लेफ्ट साइड में सेकंड फ्लोर पे जो ऑफिस है वहाँ पे चले जाओ। तो वो चिट्ठी के अंदर वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि डॉक्यूमेंट चेक मार के ऐसा कुछ। तो फिर हमने गाड़ी पार्क करके हम तीनों ऊपर चले गए
और ऊपर गए तभी ऐसे छोटी सी ऑफिस थी और वहाँ पे ऐसे 20-30 लोग लाइन में थे और साइड में जो इमिग्रेशन के जिनका भी इंटरव्यू चल रहा है ऐसे सेक्शन बनाए हुए थे, तो वो लोग आके आपका नाम लेते हैं जब उनके पास आपका आई गेस पासपोर्ट हाथ में आता है, तब टर्न बाय टर्न वो लोग नाम लेते जाते हैं और जैसे ही आपका नाम आता है वैसे ही आपको जाना रहता है। सो हमारा नाम अराउंड हमारा नाम आते आते ऑलमोस्ट एक घंटा वहाँ पर लग गया, तो पौने से एक घंटे तो हम उस रूम के अंदर वेट ही कर रहे थे। उसके बाद वहाँ पे जो एक पर्सन थे उन्होंने हमारा ऐसे थोड़ा काइंड ऑफ इंटरव्यू लिया, तो कौन से सवाल पूछे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने ये पूछा कि आपका तीनों का आपस में रिलेशन क्या है, तो मैंने बताया कि ये मेरे वाइफ है और ये जो है वो हमारे हाउसमेट है। और उसके बाद मैं और जो मेरी वाइफ है वो फर्स्ट टाइम यूएस की साइड जा रहे थे, तो हम दोनों का उन्होंने एक फोटो लिया जब वो दूसरी जो लड़की थी हमारी हाउसमेट वो ऑलरेडी यूएस में एक दो बार ट्रैवल कर चुकी है, तो उनका फोटो नहीं वहाँ पे कैप्चर करा। उसके बाद उन्होंने पता कि वापस कब आ रहे हो, तो हमने बताया कि संडे को शाम को हम लोग वापस आ जाएंगे। और ये सारी चीज़ें खत्म हो गई अराउंड आई गेस 5-7 मिनट के अंदर। लास्ट में उन्होंने बोला कि आपको फीस पे करनी पड़ेगी $12 समथिंग यूएस डॉलर। सो यही था हमारा पूरा एक्सपीरियंस। एंड आई नो कि कुछ लोग जो वहाँ पे एक दो लोग थे, मैं कम्युनिटी का नाम तो नहीं लूंगा किसी का, बट स्पेसिफिकली वो लोग काफ़ी ज़्यादा रूड थे और कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे भी लोग थे। हमारा जिनके साथ नंबर आया वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ्रेंडली और हैप्पी इन पर्सन थे, पर कुछ कुछ लोग वहाँ पे ऐसे मुंह लटका के ऐसे लोगों के नाम ले रहे थे जैसे ज़बरदस्ती बिठा दिया हो। और जब भी आप कभी भी कैनेडा से यूएस जा रहे हो तब एटलीस्ट आप कंसिडर करो कि आपको इमिग्रेशन में फर्स्ट टाइम अराउंड आपको हो सकता है 1 घंटा तो मिनिमम लग ही सकता है क्योंकि आपको वेट करना ही पड़ेगा उधर। बाकी अगर आप कनाडा में एज अ स्टूडेंट हो या वर्क परमिट पे हो और अगर आपको यूएस के विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो ये वाला जो वीडियो है उसको चेकआउट जरूर करना, आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कैसे आपको अप्लाई करना है। और एक चीज़ मैं लास्ट में बताना भूल गया कि हम जब वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे थे जब ऑफिस के अंदर, तब हमसे कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे थे, हालांकि हम लोग लेके गए थे, हमारा वर्क परमिट दो लोगों का था, मेरी वाइफ का जो पीआर कार्ड था वो भी था, बट कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं मांगी। आई गेस अब यूएस से जब हम कनाडा में वापस जाएंगे तब कैनेडियन बॉर्डर जब एंटर करेंगे तब हमसे हो सकता है कि वर्क परमिट और वो कैनेडियन वीज़ा वो जो होंगे वो चेक करेंगे। ये रहा यूएसए का नायगरा फॉल और वो रहा सामने कनाडा का नायगरा फॉल। जो कनाडा की तरफ जब आप होते हो नायगरा फॉल वाले में तब ये सामने की तरफ दिखता है। इधर से काफ़ी दूर से पानी फ्लो करता हुआ आ रहा है और इधर जो है उधर गिर रहा है पानी, तो नीचे आपको बोर्ड भी दिखेगी। ये ब्लू कलर वाला जो पॉन्चो है वो यूएसए वाली है, रेड वाली जो है वो कनाडा की बोट है, बट वो दिख नहीं रही यहाँ पर। उधर से हम लोग आए जहाँ से फॉल बड़ा वाला था वो, जहाँ से कैनेडियन का नायगरा फॉल्स दिख रहा था, और इधर की साइड में ये फॉल आगे एक्सटेंड होता है, तो आई गेस इसका भी कुछ नाम है और वो लास्ट वाले का भी कुछ नाम है। और हम लोग एक्चुअली में रात को उस वाली साइड थे वहाँ के एंड के ऊपर। वापस आ चुके हैं हम उसी बूथ के ऊपर जिस साइड से हम लोग गए थे, ओपन दो ही दिखा रहे हैं, अभी कोई ट्रैफिक है नहीं, देखते हैं क्या मांगते हैं। आई गेस इधर से कोई इमिग्रेशन नहीं होगा क्योंकि ये यूएसए की बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, बट सामने जब वो कनाडा की तरफ एंटर कर रहे होंगे तब क्वेश्चन और वो सब पूछेंगे। अभी वापस यहाँ से हम लोग वापस जा रहे थे तो और $6.50 कैनेडियन आई गेस चार्ज लिया है, किस बात का वो पता नहीं, बट बॉर्डर क्रॉसिंग का कुछ है। अब कनाडा सामने फ्लैग दिख रहा है, उधर एंटर करना है, अब देखते हैं इधर क्या होता है। A few moments later. So, जैसे ही वो कैनेडियन जो बॉर्डर थी वहाँ पे एंटर हुए तो वहाँ पे बूथ पे हमें ये सारी चीज़ें पूछी गई जो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो हमें ये पूछा कि आप तीनों कहाँ पे रहते हो, तो हम तीनों का एड्रेस सेम ही है, हम सेम ही हाउस में रहते हैं, तो हमने बताया कि ये एड्रेस ये हमारा लोकेशन है। फिर उसके बाद उन्होंने हमसे हमारा स्टेटस पूछा, तो मैं और हमारी जो दोस्त है हाउसमेट वो वर्क परमिट पे है और मेरे जो वाइफ थे उनके पास पीआर कार्ड था, तो वो तीनों चीज़ें हमें देनी पड़ी कि दोनों का वर्क परमिट दिया और उनका पीआर कार्ड दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप यूएसए क्यों गए हुए थे, फिर हमने बताया कि सेम जो रीज़न था वो कि नायगरा फॉल हम उस साइड की तरफ से देखना चाहते थे तो उसके लिए गए थे। उन्होंने बोला कि आप कहाँ पे रुके थे, हमने कहा एयरबीएनबी के थ्रू एक लिस्टिंग थी वहाँ पे रुके थे, तो उन्होंने बोला एड्रेस क्या है वो लिस्टिंग का, तो हमने एड्रेस बताया कि ये वाला एड्रेस के ऊपर रुके थे। फिर उन्होंने आगे हमें लग रहा था कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे तो हो सकता है प्रूफ या ऐसा कुछ मांगेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं मांगा, उन्होंने कहा ठीक है इतनी चीज़ें पूछी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने कोई यूएस में बिग परचेज करी है या कोई अल्कोहल या ऐसा कुछ कैरी कर रहे हो, तो हमने कोई भी वहाँ से कोई ज़्यादा शॉपिंग करी है नहीं, तो उसका आंसर भी नो ही था।
और ऐसी कुछ बेसिक से मतलब क्वेश्चन पूछे आपकी जो भी कोई भी स्टोरी होगी, आपने जो भी ट्रिप प्लान करी है, चाहे वो वनडे है चाहे वो छोटा वैकेशन है, तो उससे रिलेटेड ही थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर पूछे। और मेक श्योर कि आपके पास जो है वो TRV जो है, टेम्पररी रेजिडेंट वीजा, आपके पासपोर्ट में वो कैनेडा का वैलिड हो। जो आपका वर्क परमिट या स्टडी परमिट जो है वो आपका लीगल स्टेटस, आप उस कंट्री में रह सकते हो उसके लिए होता है, बट आपका जो पासपोर्ट के ऊपर जो स्टैम्प है वो मेक श्योर कि अगर आप वर्क परमिट एक्सटेंड कर रहे हो, अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड कर रहे हो, तो अपना पासपोर्ट पे आप टेम्पररी रेजिडेंट वीजा भी जो वर्क परमिट और स्टडी परमिट की डेट है उसके हिसाब से एक्सटेंड करा रहे हो। और वहाँ पे हमसे कोई भी एक्स्ट्रा फीस या वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। और कहीं पे हमें गाड़ी पार्क करके, हमें ऐसा लग रहा था कि हो सकता है इधर भी गाड़ी पार्क करके गाड़ी चेक करे या इमिग्रेशन होगा कि बोलेंगे कि इस रूम में जाओ गाड़ी पार्क करके इधर, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी में बैठे बैठे ही अराउंड 3-4 मिनट के अंदर पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस हो गया। सो यही था आज के वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर कभी मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।